The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal. Ek baar phir hum baat karenge aaj IBS. Now, IBS kya hai? Irritable bowel syndrome aur uska ilaaj kya hai? Dekhiye, जब भी आपके एक तरीके से इंटेस्टाइन का आपके दिमाग का पेट से कनेक्शन होता है और ये ओवर सेंसिटिव सिस्टम है, जब भी कभी बच्चे का एग्ज़ाम आने लगता है उसका पेट खराब हो जाता है, जब भी कभी उसको मार पड़ती है तो कई बार बच्चों का पेट दुखने लग जाता है, किसी किसी का सूसू निकल जाता है डर के मारे। ये क्यों होता है कभी सोचा है? क्योंकि दिमाग का कनेक्शन होता है आपके हर एक सिस्टम से, वैसे ही आपका पेट से भी दिमाग का कनेक्शन है और ये न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन स्ट्रेस से रिलेटेड। जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस होती है तो स्ट्रेस होने पे कई दफ़ा हो क्या जाता है, आपके शरीर में एक पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है जो डाइजेशन करता है, एक सिंपेथेटिक सिस्टम है जो कि आपके जो मोशंस फिजिकल जो आप मूवमेंट करते हो, जो दौड़ने भागने वाले सिस्टम है, हार्ट रेट बढ़ाना ये करना, वो चीज़ को एक्टिवेट करता है। तो जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी बॉडी को ये नहीं पता कि ये स्ट्रेस एक खतरा है या नहीं, आपकी बॉडी सिर्फ उसको एक चैलेंज, एक खतरा लेती है कि सामने से कोई आपको मारने आने वाला है, पता नहीं शेर है या कोई प्रेडेटर है क्या है, और आपको भागना पड़ सकता है। तो आपकी बॉडी स्ट्रेस के लिए कॉर्टिसोल नामक हार्मोन निकालती है, स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन निकालती है, शरीर में बनाती है, जो कि आपके शरीर में ग्लूकोज बढ़ाने लग जाता है कि भागे तो ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, दिल की धड़कन बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, फलाना ढमकाना बढ़ाएगा। और ये एक तरफ जब एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को स्लो कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो लोग बहुत ज़्यादा सिंपथेटिकली हाइपर एक्टिव होते हैं उन लोगों के केस में कब्ज होने का, कॉन्स्टिपेशन को सिम्टम, पैरासिम्पथेटिक स्लो हो जाएगा तो कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये एक कारण है जो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल आदमी में भी उसके मानसिक संतुलन को का, उसके स्ट्रेस का, उसके मोशन के साथ, उसके पेट के साथ, उसके स्टूल्स के साथ रिलेशनशिप है। तो एक IBS वाले सिस्टम में, IBS वाली बीमारी में ये सिस्टम 5 गुना 10 गुना बढ़ जाता है, मान लीजिए हाइपर एक्टिव हो जाता है। जिस तरह किसी का धूप में जाने से स्किन जल जाता है, स्किन सेंसिटिव होता है, वैसे ही किसी का थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेने से एकदम से उसका जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है या तो ठप रुक जाता है कॉन्स्टिपेशन या धड़ाधड़ चलने लगता है लूज मोशन। IBS-C और IBS-D बना के ये दो तरीके हैं। IBS को हमने पहले भी एक वीडियो में समझाया हुआ है, इसलिए इसके आगे नहीं समझाएंगे। बात करते हैं IBS के एक ट्रीटमेंट की जिसको बोलते हैं लो फॉडमैप डाइट। लो फॉडमैप डाइट डिज़ाइन की गई है ऐसे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को बेटर कंट्रोल के लिए। कई केसेस में ये देखा गया है कि कई केसेस जो लो फॉडमैप डाइट शुरू करते हैं उनको काफ़ी आराम आने लगता है। याद रखिए, हर इंसान को आराम नहीं आएगा, कईयों को आ जाएगा, कुछ तो आराम आएगा, किसी को बहुत किसी को कम। क्या मतलब लो फॉडमैप डाइट का? फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलियोल्स, FODMAP, फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलियोर्स, इन सारे को ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, ये वो शुगर है, स्टार्च है, फाइबर है, जो के आपके शरीर में जाके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके IBS को इरिटेट करेगा। फॉर मोस्ट पीपल ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों में अगर ये कम मात्रा में खाते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं करते, लेकिन कई सारे लोग इन चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब ये है, क्यों सेंसिटिव होते हैं? क्योंकि ये फॉडमैप वाली जो खाना पीना है ये पानी को डाइजेस्टिव ट्रैक में खींच लेता है। इससे क्या होगा? इससे एक नंबर वन, आप ब्लोटेड फील करेंगे। जब आप ऐसी चीज़ें, पानी ज़्यादा खींचा जाएगा तो इंटेस्टाइन भर सा जाएगा तो आप ब्लोटेड फील करेंगे। अगर आप इनको ज़्यादा खाते हैं तो ये वहाँ पर रुकेंगे भी ज़्यादा इंटेस्टाइन में एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम्स, और जब खाना थोड़ी देर ज़्यादा रुकता है तो वहाँ फर्मेंट होने लगता है
और वो फर्मेंटेशन से भी गैस निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं, जो आपको ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, जो आपको लगता है कि पेट खराब है। तो ये एक कारण है, कई लोग इससे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनमें क्या क्या आता है? फ्रुक्टोस का मतलब है ऐसे फ्रूट्स, हनी, हाई फ्रुक्टोस कॉर्न सिरप, ये चीज़ें आती, राइट? कौन कौन से कार्ब्स? ये फ्रुक्टोस, लैक्टोस यानी डेरी, दूध भी इसमें आता है, फ्रुक्टान्स आते हैं, वीट, अनियन, गार्लिक, जी हाँ, वीट, अनियन, गार्लिक, ग्लैक्टान्स यानी लेग्यूम्स जैसे बीन्स, दालें, सोयाबीन्स, और पॉलियोल्स यानी शुगर, अल्कोहल, जैसे जो आप खाते हैं, जो इवन एप्पल में जो दूसरी नॉर्मल शुगर होती है फ्रूट्स में, वो भी। तो अब क्या होगा कि भी क्या खाएं इसके अलावा, ये तो फिर सब बंद हो गया। इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये, लो फॉडमैप डज नॉट हेल्प एवरीवन। इसमें हमने कई स्टडीज़ में देखा है कि अगर आपको लो फॉडमैप डाइट से रिलीफ मिलना है तो 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। 7 दिन में नहीं आ रहा है, 7 से 14 दिन में, तो आपको प्लान चेंज करना चाहिए और मेडिसिन ऐड करनी चाहिए। याद रखिए, लो फॉडमैप डाइट कोई खराब खाना पीना नहीं है, ये खराब फूड नहीं है, बस आपका शरीर कभी कभी इस टाइप के फूड से ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, इसीलिए दिक्कत है। तो लो फॉडमैप डाइट लेने से क्या होता है, बेनिफिट क्या होगा? एक लो फॉडमैप डे लेने से आपकी डाइजेस्टिव सिम्टम्स जैसे गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन कम होगा, आपके IBS के सिम्टम्स दवाई के साथ अच्छे से और दवाई के बगैर भी मेंटेन हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर हो सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉलो करें लो फॉडमैप डाइट? कायदे से तो ये एक डाइटिशियन आपको बता के देगा, बना के देगा, एक डॉक्टर बना के देगा, जिसमें आपको 3 चीज़ें काम करनी है। नंबर एक, आपको नाम होगा, एक पहला स्टेप है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में आपको 6 से 8 हफ्ते के लिए इनमें से कई सारे खाने पीने बंद करने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड है री इंट्रोडक्शन। जब आप आराम आने लग जाता है, तब आप एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, इनमें से एक एक खाने को एक डाइटिशियन या डॉक्टर के कहने पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करके देखेंगे कि आपका शरीर इससे एडजस्ट कर रहा है कि नहीं। सो रिस्ट्रिक्शन, री इंट्रोडक्शन एंड पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या, कि आपको हो सकता है कुछ चीज़ें डालने से दिक्कत हो जाए, कुछ चीज़ें डालने से ना हो। तो ये हर एक केस में एक कस्टमाइज्ड डाइट बनाई जाती है, गोल बनाया जाता है ऐसे फूड ट्रिगर्स को ढूंढने के लिए, जिससे कि आपका IBS ट्रिगर होता है, इरिटेबल बॉवल यानी बॉवल इरिटेट होता है। इन रिस्ट्रिक्शन पहला स्टेप है, फिर री इंट्रोडक्शन, फिर ये दिक्कत। ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं इन खाने पीने की चीज़ों के, कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ फॉडमैप में, यानी फॉडमैप में लो है, कौन कौन सी हाई है। याद रखिए, हाई फॉडमैप आपको अवॉइड करना है अगर आपको IBS है, और लो फॉडमैप आप खा सकते हैं। क्या मतलब उसका? मैनी फूड्स हर एक फूड में है। हाई फॉडमैप फूड में क्या क्या आता है? कोई भी चीज़ जो गेहूं से, बार्ली से, राई से बनी है, हाई फॉडमैप है। एप्पल, एंटीचोक्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे च्युइंगम, बीन्स, कैशूज, कॉलीफ्लावर, ड्राई फ्रूट्स, गार्लिक, अनियन, हाई फ्रुक्टोस कॉर्न सिरप, हनी, आइसक्रीम, मशरूम, पिस्ताशियोज, वाटरमेलन, ये सारे आ गए हाई फॉडमैप में। तो खाएंगे क्या? लो फॉडमैप। लो फॉडमैप में क्या आता है, यानी क्या खा सकते हैं? अब खा सकते हैं आलमंड्स, कोकोनट, राइस, सोया मिल्क, बनाना खा सकते हैं, बेल पेपर खा सकते हैं, ब्लूबेरीज, कैरट्स, क्यूकम्बर्स, आप ये खा सकते हैं। इसके बाद आप ग्रेप्स खा सकते हैं, पोटैटोज खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, जी हाँ, ओट्स खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, किनुआ खा सकते हैं, स्पिनिच, केल या लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, टैंजरीन्स खा सकते हैं। ये अच्छी बात हो गई, खाने के लिए बहुत कुछ है, ओट्स खा लीजिए, सब्जी वब्जी खा लीजिए। याद रखिए, इनमें से हर चीज़ हर एक में दिक्कत नहीं करेगी। अगर आपको पक्के तौर पे पता है कि हाई फॉडमैप वाली वो चीज़ आपको कतई दिक्कत नहीं करती, तो आप वो खा सकते हैं। याद रखिए, यू हैव टू फॉलो लो फॉडमैप डाइट विथ अ डॉक्टर और अ डाइटिशियन। डाइट को हर इंसान फॉलो कर सकता है, लेकिन बेटर कंट्रोल आपका अंडर गाइडेंस ही आएगा। ग्लूटन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ग्लूटन फ्री डाइट लेने से भी
आईबीएस में फायदा होता है। सो ये सारी चीजें समझ के चलिए तो आईबीएस को आप कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी आईबीएस के वीडियो हमारे चैनल पे देखिए, और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो अगर पसंद आई बात तो फिर इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।